भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिला भिलाई के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य की भूपेश सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए पूरी तरह किसान विरोधी बताया। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्री बघेल की सरकार राज्य के किसानों को जो फायदे योजनाओं के तहत पहुंचा रही है वह सभी केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिल रहे है। जैसे धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर 2040 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। साथ ही खरीफ फसल की 14 फसलों के उत्पादन पर भी प्रति क्विंटल मूल्य की वृद्धि केंद्र शासन द्वारा की गई है। इसके अलावा कई ऐसी और योजनाएं हैं जिसका लाभ अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमने संकल्प लिया था कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, इसके तहत में मोदी जी के आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने जो MSP खास तौर से धान के समर्थन मूल्य में जो 100 रुपए की बढ़ोतरी की है, इसको लेकर प्रदेश के किसान काफी ज्यादा उत्साहित है। और जिस बात को हमने कहा था कि सबके साथ सबका विकास और खास तौर से गांव गरीब कल्याण वाली सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कहीं ना कहीं इस फैसले ने दर्शा दिया है। वहीं राज्य सरकार खास तौर से खरीफ के सीजन में जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी कर रही है, रकबा काट रही है और किसानों को जिस प्रकार से आर्थिक क्षति वर्मी कंपोस्ट के नाम से सरकार लगातार पहुंचा रही है, ये सारे विषय को लेकर प्रदेश के किसानों में रोष है। वहीं केंद्र सरकार लगातार राज्य के किसानों को, आम गांव गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सारे चीजों में राज्य सरकार की जो रवैया है ये पूरी तरह से असहयोगात्मक है और इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास के मामले में, चाहे जल जीवन मिशन के मामले में, सभी में राज्य सरकार ने अपनी अक्षमता का जो परिचय दिया है, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसानों को धोखा दिया जा रहा है और इस सारे विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा लामबंद हो रही है। आने वाले समय में बड़ी कार्य योजना के साथ में हम सरकार के खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे।